Hello friends, this is Hari Singh Nagar and you are watching Hari Nagar Jhalapatan. No drama, no clickbait, only medical knowledge. So today I will explain about the cerebrovascular accident which is known as stroke or brain attack. So firstly, I will explain about the definition of cerebrovascular accident. It is an umbrella term that refers to onset and persistent of neurologic dysfunction lasting longer than 24 hours and resulting from disruption of blood supply to the brain and indicate infarction rather than ischemia. इसका मीन्स ये है जो हमारे ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है तो ऑब्स्ट्रक्शन होने वाली कंडीशन को बोलते हैं इन्फ्रैक्शन. अगर यहाँ पर इन्फ्रैक्शन हो जाता है तो उस वाली कंडीशन में हमारे ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं हो पाएगी और जिस पार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है वो पार्ट ब्रेन का धीरे धीरे नेक्रोस होने लगेगा. नेक्रोसिस यानी कि टिश्यूज़ की डेथ होने लगेगी. अगर वहाँ पर टिश्यूज़ की डेथ होने लगती है तो धीरे धीरे उस पार्ट के जो फंक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब होने लगते हैं. अगर उस पार्ट के जो फंक्शंस है अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं उनको 24 घंटे से ऊपर हो गया है तो उस वाली कंडीशन में इस कंडीशन को माना जाता है कि पेशेंट को स्ट्रोक हो चुका है. और इस वाली कंडीशन को हम अम्ब्रेला टर्म भी बोलते हैं क्योंकि इस वाली कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा ब्रेन होगा ब्रेन के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे और ब्रेन के फंक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से वो पूरी बॉडी हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि ब्रेन ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी द्वारा हमारी पूरी की पूरी बॉडी कंट्रोल होती है. अगर ब्रेन ही डैमेज हो गया तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी कंट्रोल नहीं हो पाएगी तो इसीलिए इसको बोलते हैं अम्ब्रेला टर्म. अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक. तो सबसे पहला जो है हमारा वो है इस्केमिक स्ट्रोक एंड सेकंड इज हेमरेजिक स्ट्रोक. अब आप इस इमेज के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि जो स्ट्रोक है जो सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है उसके दो प्रकार होते हैं. सबसे पहला है इस्केमिक स्ट्रोक. तो इस्केमिक मीन्स क्या होता है, ए क्लॉट ब्लॉक द ब्लड फ्लो टू एन एरिया ऑफ ब्रेन. इस वाली कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है उस ब्लड सप्लाई के बीच में क्लॉट बन जाता है और क्लॉट एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है. अगर वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो हमारे ब्रेन के जो टारगेट ऑर्गन्स तो होते हैं जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी. अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है तो वो पार्ट धीरे धीरे डैमेज होने लगता है तो इस वाली कंडीशन को बोलते हैं इस्केमिक स्ट्रोक. सेकंड डायग्राम देखिए, सेकंड डायग्राम में दिखा रखा है हेमरेजिक स्ट्रोक. सो इन दिस ब्लीडिंग ऑकर्स इनसाइड और अराउंड द ब्रेन टिश्यू. अब इस वाली कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो लीक हो जाती हैं या वो फट जाती हैं. फटने की वजह से क्या होगा, जो ब्लड होगा हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ में चला जाएगा और ब्रेन के टिश्यूज़ के आसपास भी वो इकट्ठा हो जाता है और वो ब्रेन को धीरे धीरे इरिटेट करने लगता है तो इस वाली कंडीशन को बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक. देन उसके बाद में आता है कॉजेज ऑफ सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट. अब जैसे कि मैंने बताया टाइप्स दो प्रकार के होते हैं, पहला है इस्केमिक और सेकंड है हेमरेजिक स्ट्रोक. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस्केमिक स्ट्रोक के कॉजेस पता करेंगे कि इस्केमिक स्ट्रोक के क्या क्या कॉज होते हैं. तो सबसे पहला कॉज है वो है थ्रोम्बोसिस. तो थ्रोम्बोसिस का मीन्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास इनसाइड द ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर कोई सॉलिड मास बन जाता है. अब वो सॉलिड मास किस चीज़ का बनता है, क्लोट का. जो ब्लड क्लोट हुआ है उसकी वजह से वहाँ पर वो सॉलिड मास बन गया है और सॉलिड मास बनने की वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी. ब्लड सप्लाई नहीं हो पाई तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी और ब्रेन के टिश्यू धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगे. नेक्स्ट है एम्बोलिज्म. एम्बोलिज्म मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड और गैसियस मास इनसाइड द ब्लड वेसल्स. तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर कोई भी लिक्विड मास या गैसियस मास बन जाता है या जो थ्रोम्बोसिस है आपका वो कभी कभी डिस्लोज हो जाता है और डिस्लोज होकर छोटी छोटी जो माइक्रो सर्कुलेशन होता है वहाँ पर जाकर वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा उस सर्कुलेशन को. तो इस प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं एम्बोलिज्म. तो एम्बोलिज्म में भी क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी. फिर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, ब्रेन के टिश्यूज़ धीरे धीरे डेड होने लगेंगे.
अब देखिए इस इमेज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक और एम्बोलिक स्ट्रोक क्या होता है। तो ये किसके कारण हो गए? तो सबसे पहले आता है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। तो जैसा कि मैंने बताया था, थ्रोम्बोटिक मीन्स क्या होता है, कोई भी सॉलिड मास ब्लड वेसल्स के अंदर बन जाता है और बनने की वजह से क्या होगा, जो हमारे ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए, जो ब्लड वेसल्स का एक ओपन डायग्राम दिखा रखा है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ब्लड क्लॉट दैट मीन्स थ्रोम्बस ब्लॉक द फ्लो ऑफ ब्लड इन द ब्रेन, और इसकी वजह से क्या होगा, एरिया डिप्राइव्ड ऑफ ब्लड, यानी कि वहाँ पर ब्लड की कमी आ जाएगी, फिर ऑक्सीजन की कमी आएगी, जिसकी वजह से ब्रेन के टिश्यूज धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगे। फिर आता है एम्बोलिक स्ट्रोक। तो एम्बोलिज्म का मीन्स क्या, बताया था कि जो वहाँ पर थ्रोम्बोसिस है वो धीरे धीरे वहाँ से डिस्क्लोज हो जाता है, वहाँ से वो हट जाता है और सर्कुलेशन में वो चला जाता है। तो इसमें क्या दिखा रखा है, देखिए ब्लड वेसल्स के यहाँ पर फेटी प्लेक और ब्लड क्लॉट दैट मीन्स एम्बोलिज्म ब्रेक अवे एंड फ्लो टू द ब्रेन वेयर इट ब्लॉक एन आर्टरी। अब जहाँ पर भी हमारी जो मेजर आर्टरी है वहाँ पर अगर प्लेक बना हुआ है या ब्लड क्लॉट बना हुआ है, जिसको बोलते हैं हम एम्बोलिज्म, यानी कि जो ब्लड क्लॉट बना हुआ है या जो प्लेक बना हुआ है वो वहाँ से टूट जाता है या वहाँ से वो डिसलोज हो जाता है, और डिसलोज होने के बाद में क्या होगा, वो हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई में जाएगा और उस पाथवे को ऑब्स्ट्रक्ट करने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से ब्रेन के टिश्यूज डैमेज होने लगेंगे। अब जो सेकेंड आता है हमारा कॉजेज ऑफ सीवीए के अंदर, वो आता है हेमरेजिक स्ट्रोक, यानी कि हेमरेजिक स्ट्रोक के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन वाली कंडीशन में क्या होगा, ब्लड वेसल्स जो रहेगा उसका फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर अगर ब्लड का फोर्स ज़्यादा रहा तो ब्लड वेसल्स वो फट सकती हैं, लीक हो सकती हैं, तो इस वाली कंडीशन में हेमरेजिक स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। सेकंड आता है इंक्रीज आईसीपी। इंक्रीज आईसीपी में क्या होगा, यानी कि आपके ब्रेन के टिश्यूज़ का प्रेशर बढ़ने लगेगा, या जो आपका जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो आसपास की ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं और कभी कभी वो डैमेज भी हो सकती हैं, और डैमेज होने की वजह से वहाँ से ब्लड निकलने लगेगा। नेक्स्ट आता है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का मीन्स है वीकनेस ऑफ द ब्लड वेसल्स। कभी कभी क्या होता है, हाइपरटेंशन की वजह से या किसी कारण की वजह से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं ब्लड वेसल्स का कुछ पोर्शन वीक हो जाता है, और वीक होने की वजह से उसमें क्या होगा, वो एरिया धीरे धीरे फूलता रहेगा, वहाँ से एक तरीके से बेलून शेप बनता रहेगा उसमें, तो जिसकी वजह से अगर वहाँ पर ज़्यादा फोर्स रहा तो कभी कभी वो वीक एरिया फट सकता है, लीक हो सकता है। देन आता है हेड ट्रॉमा। हेड ट्रॉमा के अंदर क्या होता है, अगर पेशेंट को चोट लगती है सर के अंदर तो कभी कभी ब्लड वेसल्स भी रप्चर हो जाती हैं और ब्लड बहने लगता है। फिर आता है उसके बाद में आर्ट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन। अगर हमारे ब्रेन के अंदर जो आर्टरी है, जो भी वेन है, अगर उसके अंदर किसी प्रकार का मालफॉर्मेशन, यानी कि वो उसका जो स्ट्रक्चर है अच्छा नहीं है या कोई मालफॉर्म्ड स्ट्रक्चर है, तो उस वाली कंडीशन में भी हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। देन उसके बाद में आता है रिस्क फैक्टर फॉर सीवीए। इसके अंदर आते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज़। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज़ में हम हाइपरटेंशन ले सकते हैं। अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो इसकी वजह से स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस में ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, तो हाई होने की वजह से ये ग्लूकोज ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाएगा और उसके अंदर नेरोइंग हो सकती है, और नेरोइंग होगी तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो सीवीए होने के चांसेस हो सकते हैं। ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। देन आता है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। कभी कभी कोई पर्सन अगर स्मोकिंग करता है, अल्कोहलिज्म करता है रेगुलरली, तो उस वाली कंडीशन में ये उसकी ब्लड वेसल्स को, नर्व्स को अफेक्ट करती है, और स्पेशली ब्लड वेसल्स जो होती हैं उसको ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी और स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। देन आता है कोगुलेशन। कोगुलेशन में अगर कोगुलेशन प्रोफाइल आपकी ज़्यादा है, अगर उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं अगर वो ज़्यादा हैं, तो ब्लड के क्लॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और स्ट्रोक होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। देन आता है फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर कोई पर्सन काम नहीं करता है, अगर वो किसी प्रकार की एक्टिविटीज़ नहीं करता है, तो उस वाली कंडीशन में
जो खून होता है, खून वो जमने लगता है और क्लॉट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। देन आता है हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया के अंदर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ होता है। जो LDL होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल है। देन उसके बाद में आता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इश्चेमिक स्ट्रोक, यानी कि जो इश्चेमिया होता है, दैट मीन्स नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू, यानी कि डेथ ऑफ टिश्यूज। तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी मीन्स होता है एक प्रोसेस जिसमें जो भी कॉजेज है, जो भी रिस्क फैक्टर है, उसके आधार पर ये डिजीज आगे की तरफ प्रोग्रेस करती है, आगे की तरफ बढ़ती जाती है और एक स्ट्रोक का रूप ले लेती है। तो ये किस प्रकार से होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, अब जैसे कि हम इसमें थ्रोम्बोसिस मान सकते हैं। तो थ्रोम्बोसिस में क्या होगा, वो ब्लड सप्लाई जो होगी उसमें ये बीच में ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, इश्चेमिया यानी कि टिश्यूज़ की डेथ होने लगेगी। और टिश्यूज़ की डेथ क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है। और हमारे ब्रेन में अप्रोक्सीमेटली जो कार्डिक आउटपुट है उसका 15% ब्रेन को सप्लाई होता है, दैट मीन्स 750 ml पर मिनट ब्लड हमारे ब्रेन को सप्लाई होता है। अगर ये नहीं होगा तो इश्चेमिया होने के चांसेस हो जाएंगे, और इश्चेमिया होगा तो हमारे ब्रेन की जो सेल्स होती है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगेगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी उसमें, तो इसकी वजह से हमारे ब्रेन की सेल में लैक्टिक एसिड रिलीज होगा, और लैक्टिक एसिड रिलीज होगा तो इसमें दो कंडीशन क्रिएट होती है। फर्स्ट होती है एसिडोसिस और सेकंड होती है आयन इम्बैलेंस। अब एसिडोसिस की वजह से क्या होता है, हमारे सेल के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है वो बढ़ने लगता है, और वो बढ़ेगा तो इसकी वजह से जो कंडीशन क्रिएट होगी वो होगी सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन। इसमें प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने लगेगा, साथ ही साथ सेल की जो मेम्ब्रेन है वो भी ब्रेकडाउन होने लगेगी। अब दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा था, आयन इम्बैलेंस हो रहा था, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो रहा था, यानी कि जो नर्व्स है उसका डीपोलराइजेशन हो रहा था। और डीपोलराइज होने की वजह से हमारे ब्रेन की जो सेल्स हैं उसके अंदर ग्लूटामेट का सिक्रेशन बढ़ रहा था, और ग्लूटामेट के सिक्रेशन बढ़ने की वजह से हमारे जो सेल्स होती हैं उसकी जो मेम्ब्रेन होती है और साथ साथ में जो प्रोटीन होता है उसका भी ब्रेकडाउन होने लगता है। जब सेल का ब्रेकडाउन होगा, मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, तो हमारी सेल्स के अंदर फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। और जैसे ही फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा तो साथ साथ ही प्रोटीन का प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा और सेल में इंजुरी होगी और सेल की डेथ हो जाएगी। हमारे ब्रेन के टिश्यूज के एक्सपोजर में आएगा, और जैसे ही ब्रेन टिश्यूज ब्लड को एक्सपोज होगा, नेक्स्ट आता है हेमरेजिक स्ट्रोक की पैथोफिजियोलॉजी। अब इसमें हम एक कारण लिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन की वजह से हमारे ब्रेन की ब्लड वेसल्स में हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही हेमरेज होगा तो उनसे ब्लड लीक होने लगेगा, और वो ब्लड क्या होगा, हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ में वो वहाँ पर जमा हो जाएगा, और वो धीरे धीरे हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ के मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, और उसके बाद में ये ब्लड क्या होता है, धीरे धीरे सब अरेक्नोइड स्पेस में चला जाता है। और जैसे ही सब अरेक्नोइड स्पेस में जाएगा तो हमारे ब्रेन का इंट्राक्रैनियल जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने की वजह से जो ब्रेन का एरिया है वो धीरे धीरे कंप्रेस होगा, और उसमें ब्रेन के टिश्यूज़ में इंजुरी हो सकती है। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं अगर किसी पर्सन में स्ट्रोक या सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो जाता है। तो सबसे पहला है डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, यानी कि उसको चलने फिरने में परेशानी होगी। सेकंड आता है लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। अब बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का काम किसका होता है, सेरेबल्लम का। अगर सेरेबल्लम में कोई डैमेज हुआ है तो उसकी वजह से बैलेंस और कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग द अदर्स हु आर स्पीकिंग। अब इसमें क्या होगा, उसको साथ ही साथ बोलने में परेशानी होगी, क्योंकि क्या होता है, जो भाग डैमेज होता है उसके अपोजिट वाला एरिया पैरालिसिस हो जाता है। तो इसमें हाफ जो हमारा फेस है वो पैरालिसिस हो जाएगा, उसकी वजह से वो व्यक्ति बोल नहीं पाता है, न ही दूसरों की बात को वो समझ पाता है जो लोग बोल रहे हैं। नेक्स्ट आता है थंब नंबनेस और पैरालिसिस इन द फेस लेग आर्म्स मोस्ट लाइकली ऑन जस्ट वन साइड ऑफ द बॉडी। अब इस वाली कंडीशन में क्या होगा, जिस भाग में डैमेज हुआ है उसके जस्ट अपोजिट वाला एरिया पैरालिसिस हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हेमिप्लेजिया। हेमिप्लेजिया मीन्स हाफ बॉडी पैरालिसिस।
देन आता है ब्लर्ड और डार्क विजन। अब इस वाली कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा विजन होगा वो ब्लर्ड हो जाएगा। ब्लर्ड किस वजह से होगा, क्योंकि हमारे जो ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, तो उसका वो ब्लड धीरे धीरे कहाँ पर आएगा, हमारी जो ऑर्बिटल कैविटी है वहाँ पर वो आ जाता है और नॉर्मल विजन को ये डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट आता है ए सडन हेडेक स्पेशली व्हेन एकम्पेनिंग बाय नोशिया वोमिटिंग एंड डिजीनेस। अब इस वाली कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही वो ब्लड हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ को इरिटेट करता है तो व्यक्ति को हेडेक होने लगता है और हेडेक के साथ साथ उसको नोजिया वोमिटिंग और डिजीनेस यानी कि घबराहट भी होने लगती है। नेक्स्ट आता है न्यूचुअल रिजिडिटी यानी कि हमारे नेक में पेन होने लगेगा। नेक्स्ट आता है रिमेंबरिंग द एक्रोनिम्स बी फास्ट हेल्प्स द पीपल रिकॉग्नाइज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक। अब जैसे कि किसी पर्सन को अगर स्ट्रोक होता है तो उस वाली कंडीशन में मोस्ट कॉमन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक एक्रोनिम्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बी फास्ट। तो बी फास्ट क्या है, इसमें जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं सारे, जैसे बी है ई है, तो ये क्या किया गया है, जिसमें साइन सिम्टम्स है उसका पहला वर्ड बनाकर हमने एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया है, जैसे कि बी फास्ट। अब बी फास्ट का स्पेसिफिक चीज़ क्या है, उसका स्पेसिफिक वर्ड क्या है, देखते हैं। बी बी ई फर्स्ट आता है बी, बी मीन्स सडन लॉस ऑफ बैलेंस यानी कि बी फॉर बैलेंस। अब बैलेंस क्या हो जाता है, इसमें डिस्टर्ब हो जाता है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आ जाती है। फिर आता ई, ई फॉर आई। अब आई में क्या आता है, उसका विजन ब्लर्ड होने लगता है और विजन कभी कभी लॉस भी हो सकता है। फिर आता है फास्ट, फास्ट के अंदर सबसे पहला है एफ, एफ मीन्स फेस। अब उसका फेस कैसा लगेगा, उसका अन इवन फेस लगेगा, सिमिलर फेस नहीं लगेगा, एक तरफ उसका जो फेस होगा वो लटका हुआ रहेगा और दूसरी तरफ उसका फेस फ्रेश दिखेगा। नेक्स्ट आता है ए फॉर आर्म्स या लेग्स। अब उसके आर्म्स या लेग्स जो होंगे वो कैसे दिखेंगे, वीक और लटकते हुए। नेक्स्ट आता है एस फॉर स्पीच। अब स्पीच में क्या होगा, स्लर्ड स्पीच यानी कि वो तुतलाकर बोलेगा यानी कि उसको बोलने में परेशानी होगी। देन आता है टी फॉर टाइम, टाइम फॉर कॉल यानी कि जब भी इस प्रकार की समस्याएं देखी जाती है, इस प्रकार के कॉमन साइन सिम्टम्स देखे जाते हैं तो तुरंत 911 को कॉल करना चाहिए, जिसके आधार पर एम्बुलेंस आएगी और उस व्यक्ति को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जा सकती है। देन आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ CVA। पहला आता है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के अंदर हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसको पहले किस प्रकार की समस्या थी, हाइपरटेंशन था या नहीं था, मे बी उसकी वजह से CVA या स्ट्रोक हो सकता है, तो पुरानी हिस्ट्री उसकी सारी लेंगे। हाइपरटेंशन था तो कितने टाइम से था, कितने टाइम से वो मेडिसिन ले रहा था और कितने टाइम से मेडिसिन उसने छोड़ दिया, ये सारी हिस्ट्री उसकी ली जाती है, चाहे मेडिकल हो चाहे सर्जिकल हिस्ट्री हो। देन आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम हेड टू फुट एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें क्या होगा, जो हमारा सेरेब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट हुआ है पेशेंट को, उसके अकॉर्डिंग हम पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट अफेक्टेड हुआ है। देन आता है उसके बाद में ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के लिए इसलिए करते हैं हम, क्योंकि अगर जो इसका मेन रीज़न है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन, अब हाइपरटेंशन का रीज़न क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या सोल्ट का जाना होना, तो इसकी वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है, तो हम कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवा सकते हैं, ग्लूकोज लेवल चेक करवा सकते हैं, CBC करवा सकते हैं, ठीक है, और CKBP करवा सकते हैं यानी क्रिएटिनिन काइनेज जो ब्रेन का होता है वो भी हम करवा सकते हैं, क्योंकि जब भी ब्रेन डैमेज होता है तो उससे वो एंजाइम्स निकलता है और एंजाइम्स निकलेगा तो हमको ब्लड के अंदर वो आइडेंटिफाई हो सकता है कि वहाँ पर डैमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आता है उसके बाद में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, क्योंकि ब्रेन के अंदर चेंज आएंगे तो हार्ट के अंदर भी चेंज आएंगे और ECG में चेंज आने लगेगा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इसका मीन्स ये जो ब्रेन की जो वेव्स होती हैं उसको भी चेक किया जाता है कि उसमें किस प्रकार के चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट आता है इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम यानी कि हार्ट का अल्ट्रासाउंड। कभी कभी क्या होता है, हार्ट का अल्ट्रासाउंड जब लेते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, वो कम हो जाता है और कम होने की वजह से भी ब्रेन में डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो
इको भी करवाना पड़ता है। फिर आता है सीटी स्कैन और एमआरआई, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि कौन से पार्ट में हेमरेज हुआ है या ब्लड का क्लॉट हुआ है, कौन सा पार्ट अफेक्टेड हुआ है। देन आता है एंजियोग्राम, एंजियोग्राम के माध्यम से हम ये पता कर पाते हैं कि जो हमारी एक तरीके से जो ब्लड वेसल्स है या जो ब्लड सप्लाई है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने का मेन कारण क्या है, उसमें ग्लूकोज का डिपोजिशन हुआ है या कोलेस्ट्रोल का डिपोजिशन हुआ है। नेक्स्ट आता है कैरोटिड अल्ट्रासाउंड, यानी कि जो कैरोटिड आर्टरी होती है उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है कि उसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम आई है, किस वजह से ये स्ट्रोक हुआ है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक। सबसे पहला जो मैनेजमेंट है वो है जनरल मैनेजमेंट। इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज, जो भी इसका कारण रहा है उस कंडीशंस का ट्रीटमेंट करना। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट बाय यूजिंग द एनजी ट्यूब। अब व्यक्ति को खाना खाने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि व्यक्ति को हाफ बॉडी पैरालिसिस हो चुका है, तो उस वाली कंडीशन में एनजी ट्यूब के माध्यम से आप उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेमी फॉलर पोजीशन। सेमी फॉलर पोजीशन इसलिए देंगे क्योंकि व्यक्ति को स्ट्रोक हो चुका है, ब्लड वेसल्स लीक हो चुकी हैं और ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, तो उस कंडीशन को कंपनसेट करने के लिए हम सेमी फॉलर पोजीशन देंगे जिसके माध्यम से थोरेक्स जो कैविटी है वो एक्सपेंड हो जाएगी और उतना ही ज़्यादा हम डीप ब्रीदिंग ले पाएंगे। जितना ज़्यादा डीप ब्रीदिंग ले पाएंगे तो ऑक्सीजन उतना ही हमारे बॉडी के अंदर जाएगी और जो क्षतिपूर्ति हुई है, एक तरीके से जो लॉस हुआ है, उसकी हम क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज। इसमें जो एक्सरसाइज है स्पेशली व्यक्ति को फिजियोथेरेपी करवाई जाती है क्योंकि व्यक्ति को हाफ बॉडी पैरालिसिस हो चुका है, व्यक्ति की मसल्स काम करने लायक नहीं है, तो मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाने के लिए फिजियोथेरेपी करवाई जाती है, एक्सरसाइज करवाई जाती है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी इसलिए दी जाएगी क्योंकि हमारे ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो डैमेज हो चुकी है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी अवरुद्ध हो चुकी है, उस वाली कंडीशन में ऑक्सीजन थेरेपी के माध्यम से ब्रेन में जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी उसका कंपनसेशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है कैथेटराइजेशन। इसके अंदर क्या होगा, इस प्रोसीजर के अंदर ये इसलिए करवाया जाता है क्योंकि व्यक्ति को पैरालिसिस हो चुका है, वो चल फिर नहीं सकता और यूरिन पास आउट करने में उसको प्रॉब्लम होगी। अगर वो बेड के ऊपर ही लेटा हुआ है तो वो बेड वेटिंग कर सकता है, तो इस वाली कंडीशन में पेशाब की नली के साथ में पेशाब का बैग भी लगा दिया जाता है ताकि वो बेड वेटिंग ना करें। नेक्स्ट आता है सीजर प्रिकॉशंस। सीजर इसलिए होगा क्योंकि ब्रेन जो है वो डैमेज हो चुका है, वहाँ पर फ्लूड का एक्यूमुलेशन हो रहा है और आईसीपी बढ़ रहा है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है, तो सीजर होने के चांसेस हो सकते हैं, तो सीजर प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। देन आता है उसके बाद में फिजिकल ऑक्यूपेशनल एंड स्पीच थेरेपी। ये थेरेपी इसलिए दी जाती है क्योंकि व्यक्ति को पैरालिसिस हो चुका है, तो उस वाली कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हम फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं और स्पीच थेरेपी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है इस्केमिक स्ट्रोक का मेडिकल मैनेजमेंट। इस्केमिक स्ट्रोक का जो मेन कारण माना गया है वो आता है थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म, तो इसको डिसॉल्व करने के लिए एक थेरेपी यूज की जाती है जिसका नाम है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बस, लाइटिंग मतलब डिसॉल्व करने वाली थेरेपी। फॉर एग्जाम्पल टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, और इस थेरेपी को 3 घंटे के अंदर स्टार्ट किया कर दिया जाता है और उसकी जो डोज होती है वो होती है 0.9 mg/kg और मैक्सिमम डोज जो दी जाती है वो होती है 90 mg, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है। अगर इससे ज़्यादा देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और जितना डोज बनता है उसका 10% हम आईवी बोलस के माध्यम से 1 मिनट के अंदर देते हैं और जो रिमेनिंग 90% बचा है वो हम इन्फ्यूजन पंप के माध्यम से 1 घंटे के अंदर दे सकते हैं। और अदर थेरेपी के अंदर जैसे कि आप यूज़ कर सकते हैं हिपेरिन थेरेपी, इट वर्क एज ए एंटी कोगुलेंट, यानी कि एंटी कोगुलेंट मतलब कोगुलेशन के अगेंस्ट, जो थक्का बना है उसके अगेंस्ट, तो इसमें जो यूज़ की जाती है मेडिसिन वो होती है हिपेरिन। नेक्स्ट आता है ऑस्मोटिक डायरोटिक्स सच एज मैनिटोल। अब क्या होता है, जैसे कि हेमरेज हुआ है या स्ट्रोक हुआ है तो उस वाली कंडीशन में हमारे ब्रेन में फ्लूड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको ड्रेन करने के लिए डायरोटिक्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैनिटोल।
नेक्स्ट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें चार प्रकार के सर्जरी की जाती है। सबसे फर्स्ट है कैरोटिड एंड आर्टरेक्टोमी। इसके अंदर जो कैरोटिड आर्टरी है उसमें कट लगाया जाता है और शंटिंग की जाती है ताकि ब्लड सप्लाई अवरुद्ध ना हो। और शंटिंग करने के बाद में जहाँ पर प्लेक का फॉर्मेशन हुआ है उस प्लेक को रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है क्रेनियोटोमी। क्रेनियोटोमी में क्या होगा, जो क्रेनियम होती है हमारी, जो बोन होती है, उसको ओपन करके जो भी थक्का जमा है, जो भी थ्रोम्बोसिस है, उसको बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट आता है सेरेब्रल एंजियोप्लास्टी। अब सेरेब्रम में जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी रिपेयरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स थी वो डैमेज हो चुकी है, तो उसको रिपेयर करने के लिए सेरेब्रल एंजियोप्लास्टी की जाती है। नेक्स्ट आता है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में क्या होगा, जो ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है जो डैमेज हो चुकी है दोबारा से रिपेयर नहीं हो सकती, तो उसमें बाईपास के माध्यम से जो एरिया डैमेज हुआ था वहाँ पर ऑक्सीजन की और ब्लड की सप्लाई करवा सकते हैं। आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कैरोटिड एंड आर्टरेक्टोमी किस प्रकार से की जाती है। इसमें जो कैरोटिड आर्टरी आपको दिख रही है इसमें कट लगाया जाता है और इसके बाद में दोनों वाले एंडिंग पोर्शन पर शंटिंग को क्लैंप किया जाता है ताकि कोई ब्लड सप्लाई अवरुद्ध ना हो ब्रेन को। अगर ब्लड सप्लाई अवरुद्ध होगी तो और पार्ट ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो शंटिंग करने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, जो प्लेक का फॉर्मेशन हो रहा है उस प्लेक को बाहर की तरफ रिमूव कर दिया जाता है। अब जो नेक्स्ट मैनेजमेंट आता है वो आता है हेमरेजिक स्ट्रोक का, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट चुकी हैं और पूरा का पूरा ब्लड हमारे ब्रेन में फैल चुका है, तो उस वाली कंडीशन में हमको कुछ मेडिकल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो है डाईयूरेटिक्स, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर फ्लूड का एक्यूमुलेशन हो चुका है, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो चुका है, तो उस वाली कंडीशन को रिड्यूस करने के लिए, एडिमा को रिड्यूस करने के लिए निटोल का यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड है एंटी सीजर मेडिकेशंस या एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिनिटोइन। इस प्रकार की मेडिकेशन का इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ब्रेन के अंदर हेमरेज हो चुका है और हेमरेज होने की वजह से वो पूरा एरिया वहाँ पर फ्लूड का भी एक्यूमुलेशन हो चुका है और ICP बढ़ चुका है, तो इस वाली कंडीशन में पूरा का पूरा ब्रेन कंप्रेस होने लगेगा और सीजर होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स मेडिकेशन हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि स्ट्रोक की वजह से हमारा जो ब्रेन है उसमें दर्द होने लगता है, तो उसको दूर करने के लिए एनाल्जेसिक दे सकते हैं। नेक्स्ट आती है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, फॉर एग्जांपल डायजोक्साइड या एटीनोलोल, टेलमिसार्ट, अम्लोडिपिन, इस प्रकार की मेडिकेशन का यूज़ कर जो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको लो कर सकते हैं। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के लिए क्या होता है, अगर किसी पर्सन का हाई ब्लड प्रेशर है तो उसकी वजह से दोबारा से स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो इस वाली कंडीशन में एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एंड विटामिन के, क्योंकि हेमरेज होने का मेन कारण ये भी माना गया है क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस वाली कंडीशन में ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नेचुरली या आर्टिफिशियल रूप से डाले जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लाज्मा फैक्टर डाल सकते हैं या विटामिन के दे सकते हैं जिसके माध्यम से क्लॉटिंग अच्छे से हो पाए। अब आता है हेमरेजिक स्ट्रोक का सर्जिकल मैनेजमेंट, तो उसके अंदर सबसे पहला है क्रेनियोटोमी, यानी कि क्रेनियल जो बोन है उसकी ओपनिंग की जाएगी क्योंकि इस वाली कंडीशन में भी ब्लड का थक्का बन सकता है, तो उसको रिमूव करने के लिए इस प्रकार की सर्जरी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट। एंडोवेस्कुलर यानी कि वेसल्स के अंदर का ट्रीटमेंट, तो इस वाली कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, जो वेसल्स हैं वेसल्स के अंदर जितना भी प्लेक बना हुआ है उसको इजीली रिमूव किया जा सकता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट आता है एन्यूरिज्म कोइलिंग। एन्यूरिज्म कोइलिंग में क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स वीक हुई है, जो आर्टरी वीक हुई है, तो वीक होने की वजह से वो आर्टरी फट सकती है, तो उसको बचाने के लिए वहाँ पर जो एन्यूरिज्म वाला पोर्शन है जहाँ पर वीकनेस हुई है वहाँ पर कोइलिंग बिछा देते हैं, तो कोइलिंग होने की वजह से वहाँ पर जो ब्लड का फोर्स है वो कम हो जाएगा और उसके फटने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, जैसे कि आप इस डायग्राम के माध्यम से
देख पा रहे हैं यह है आपका एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट, यानी कि इसमें स्टेंट का यूज करके जो प्लेक बनी थी उसको रिमूव कर दिया गया है, या रिमूव नहीं किया गया है तो यहाँ पर उसको जो स्टेंट है उसमें बैलून होता है उसको इन्फ्लेट कर दिया गया ताकि जो पाथवे है वो क्लियर हो जाए। इस डायग्राम के माध्यम से आप देख पा रहे हैं इस सर्जरी का नाम है एन्यूरिस्म कोइलिंग, यानी कि आपको ये ब्लड वेसल्स दिख रही हैं और एक पोर्शन इसका वीक हो चुका है, तो इसकी वजह से इसका जो शेप हो चुका है वो बैलून शेप हो चुका है, तो ये वीकनेस होने की वजह से ये फट सकती है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कोइलिंग बिछा दी, तो यहाँ पर ब्लड का जो फोर्स रहेगा वो कम हो जाएगा और इसके फटने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, इन्फेक्शन भी। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्ट्रोक, तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो है सेरेब्रल एडिमा, क्योंकि अगर स्ट्रोक का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो उस वाली कंडीशन में बहुत सारी कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं, नई नई कंडीशन राइज हो सकती हैं। अगर ट्रीटमेंट भी हो चुका है लेकिन व्यक्ति अगर एक ही कंडीशन में है, व्यक्ति के अंदर कोई प्रकार का मूवमेंट नहीं है, तो उस वाली कंडीशन में भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो है सेरेब्रल एडिमा। एडिमा इसलिए हुआ है क्योंकि जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसका ब्रेन डैमेज हो चुका है और डैमेज होने की वजह से वहाँ पर एडिमा होने लगेगा, फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने लगेगा। नेक्स्ट आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन किस लिए होगा, क्योंकि व्यक्ति को स्ट्रोक हो चुका है, उसका ब्रेन डैमेज हो चुका है, तो व्यक्ति के ब्रेन के फंक्शन भी डिप्रेस हो जाएंगे, तो व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है उस डिजीज के माध्यम से। नेक्स्ट आता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि जो डीप वेन है हमारे शरीर की स्पेशली लेग के अंदर, तो उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है क्योंकि व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं है, वो पैरालिसिस हो चुका है, तो उसकी वजह से डीप वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस देखा जा सकता है और इसी डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है, क्योंकि इस वाली कंडीशन में क्या होगा, अगर हमारी लेग के जो वेन से अगर उसके अंदर थ्रोम्बोसिस हुआ है तो वो धीरे धीरे वहाँ से वो डिसलॉज हो जाएगा, डिसॉल्व होने लगेगा, और जैसे ही वो डिसॉल्व होगा छोटे छोटे भाग में डिवाइड होगा तो वो घूमता हुआ ट्रेवल करता हुआ हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन में जा सकता है और वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वहाँ पर एम्बोलिज्म कर सकता है। नेक्स्ट आता है ब्रेन स्टेम हर्निएशन। ब्रेन स्टेम हर्निएशन इसलिए होगा क्योंकि हमारा जो ब्रेन है पूरा का पूरा एडिमेटस हो चुका है और पूरा जो एरिया है उसका प्रेशर बढ़ चुका है, दैट मीन्स इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ चुका है, तो बढ़ने की वजह से जो ब्रेन स्टेम है वो अपनी जगह से हट सकती है। नेक्स्ट आता है प्रेशर सोर्स, क्योंकि व्यक्ति के अंदर पैरालिसिस हुआ है तो पैरालिसिस की वजह से व्यक्ति चल फिर नहीं सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता है, अगर वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो जो उसके बॉडी के जो पिछला वाला एरिया है जहाँ पर प्रोमिनेंट भाग है तो वहाँ पर क्या होता है छाले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रेशर सोर्स। नेक्स्ट आता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआई इसलिए होगा क्योंकि व्यक्ति चल फिर नहीं सकता और व्यक्ति को पेशाब की नली लगा दी गई है, अगर उसको हम रिमूव नहीं करेंगे, उसकी केयर नहीं करेंगे, तो यूटीआई होने के चांसेस हो सकते हैं।